ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, फटाफट फटाफट रिवीजन करते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड पोजिशन पढ़ चुके हैं, है ना। पढ़े कि नहीं पढ़े? यस सर। और क्या पढ़ चुके हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह सब देख चुके हैं, फॉर्मूले देख चुके हैं, क्वेश्चंस कर चुके हैं, डेरिवेशन कर चुके हैं, सारे सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं सब देख चुके हैं। लास्ट क्लास में देर चला था, रिवीजन भी कराया था मैंने, है ना। आया ना, बोलो। यस सर। लास्ट क्लास का वीडियो रिकॉर्डेड है जो 45 मिनट्स हुआ था? यस होगा सर, उसको अपलोड कर दीजिएगा ना, हम अटेंड नहीं किया। रिकॉर्डेड तो हुआ होगा, बट पॉइंट मैंने एकदम से बंद कर दिया था ना, जल्दी सेव हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, मैं चेक कर लूंगा। ओके सर, अगर सेव हुआ होगा तो अपलोड कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेंज देख लिए थे हमने, ना? और क्या देखा था? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियलिटी सबका रेशियो देख लिया था, सब कुछ कर चुके थे, राइट? अरे है ना, लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ रहे थे, मतलब यस्टरडे, राइट? यस सर। क्या पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में, इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्या पढ़ा था? y = x tan theta x tan theta minus half g x square by u square cos square theta, राइट? यही है ना? यस सर। यहां पर ये इस इनिशियल वेलोसिटी u है एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, इधर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x एक्सिस ले रखा है, वर्टिकल डायरेक्शन को y एक्सिस ले रखा है। मैं उल्टा कर सकता हूं, हॉरिजॉन्टल को y, वर्टिकल को x, मैं मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? यस सर। मान सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन y है, वर्टिकल डायरेक्शन x है, उस केस में यहां पे इस इक्वेशन में y और x इंटरचेंज हो जाएगा। खैर उसके बारे में भी टेंशन नहीं लेनी, अभी अपने ने हॉरिजॉन्टल x लिया, वर्टिकल y लिया है, तो उस y और x के बीच में ये रिलेशन है। ये रिलेशन क्या बता रहा है? इस बेसिकली इस पाथ की इक्वेशन है। मैंने इस बारे में लास्ट क्लास में अच्छे से बात करी थी कि नहीं करी थी, कि पॉइंट इस पार्टिकल में इस पाथ का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो इस y और इस x के बीच में रिलेशन इस इक्वेशन से मिलेगा। पढ़ा था ना हमने, अपन ने? यस सर। आगे बढ़े फिर? यस सर। यस सर, ये भी देख चुके थे, कर चुके थे क्या? यस सर, कर चुके थे ना। दो तरीके से सॉल्व किया था, एक बार x और y को अलग अलग मान के सॉल्व किया था। क्या सीखा था इसमें? yes, खास x डायरेक्शन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, तो पहले x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखी, उससे टाइम निकाला, उस टाइम को y डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूट किया, यही था ना? yes, sir. याद है था, तो फिर से ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन लगाई कि सर ये x है, ये y निकालना है। ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे कि बंद हो गया था? नहीं, सर हो गया था, हो गया था। अच्छा, दो आंसर आए थे, 45 डिग्री और 10 वर्स 3, राइट? ओके, तो समझ में आया था ना ये? यहाँ पे मैं समझाना, एक चीज़ समझाना चाह रहा था, जो इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट? तो ध्यान रखना है बेटा, ये जो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा है, जिसको आप tan थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? तो अगर आपको एंगल निकालना है तो कन्वर्ट दिस इन tan थीटा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। यही किया हमने। यस सर। कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने की जरूरत पड़ जाए तो यही प्रोसेस है। ओके बेटा। यस सर। अगला, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी के डिफरेंट फॉर्म्स देखिए। क्वेश्चन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा है वो क्या है, तो अपन को मालूम है क्या है? सर y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट? कुछ लोगों को ये फॉर्मूला याद हो चुका होगा, कुछ लोगों को अभी भी इसको याद करने में स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो जब मैं ये वाला पढ़ा दूंगा उसका तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब इसी इक्वेशन को ना हम थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में देखने की कोशिश करें। पहला है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो ये मेरे पास लेट्स से हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ग्राउंड है, यहाँ मैंने बॉल फेंकी, ये बॉल इस तरीके से मूव करके
ऐसे जाके गिर राइट। मुझे यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए, लेकिन मैं देखो अब ये जो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से अच्छा है, लेकिन इसको हम ट्रूली ट्रू सेंस में हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें टाइम आने वाला है, सिर्फ वाई और एक्स के बीच में रिलेशन नहीं होगा, इसमें टाइम भी आ जाएगा। ठीक है सर, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया? हाँ बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ, कर लिया। तो ये वेलोसिटी यू से फेंका है, एंगल थीटा पे फेंका है, और ये इक्वेशन क्या कह रही है? ये इक्वेशन कह रही है सर वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, मतलब अपन ने क्या किया, इधर एक्स ले लिया है, इधर वाई ले लिया है, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। ये वाली लाइन होगी कि नहीं होगी? यस ये लाइन होगी ना, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, बताओ। इनिशियल वेलोसिटी है ना, इस लाइन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या होगा? y equals to x tan theta, right? Yes. तो ये वाला टर्म तो हो गया, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, right? Yes, sir. और क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस हाफ जी, यहां तक तो ठीक है। ये क्या है, x अपॉन u cos theta का होल स्क्वायर है ना? Yes, sir. और x अपॉन u cos theta क्या t तो है, सही बात। Yes, sir. अब इसका मतलब क्या है कि सर कुछ नहीं होने वाला है, पार्टिकल अपने ओरिजिनल लाइन पे जाता पर ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया, कितना नीचे आएगा? तो सर हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आएगा, और कितना नीचे आएगा, कहानी खत्म। समझ में आई बात? इस ओरिजिनल लाइन से कितना नीचे रहेगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर नीचे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? Yes, sir. ये ना? Yes, sir. सर तो ये जो ये इन टर्म्स ऑफ टाइम में हम लोग के लिए, हाँ देखो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है नहीं, बट आपको रियलाइज होना चाहिए कि हाँ इस ये जो इक्वेशन है बेसिकली है क्या, इस लाइन की इक्वेशन में से हाफ जी टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वाली इक्वेशन बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? यस सर। ना तो अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और आसानी से याद रहेगी कि मुश्किल होगा आप याद रखने में? Yes, थोड़ा ये इक्वेशन भी अब इजीली याद रहेगी ना, अगर भूल भी जाओगे, मान लो अभी तो याद है, छह महीने बाद भूल भी जाओगे तो तुरंत सोच लोगे ना, हाँ ये वाली लाइन की इक्वेशन एक्सटेंड थी ना, उसमें से हाफ जी टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, राइट? यस सर। इजी? यस सर। तो ये इस तरीके से एनालाइज करने के दो फायदे हैं, एक तो ये इक्वेशन आपको कभी अगर टाइम में के टाइम से कुछ सॉल्व करना हो तो आपको काम आ जाएगी, दूसरा आपको ये इक्वेशन इस मेन इक्वेशन को मेमोराइज करने में हेल्प करती है। ठीक है आगे बढ़े फिर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला कंटिन्यूड है, अगला है टू फाइंड थीटा। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या था सर, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह उसको सेक्स स्क्वायर थीटा लिखेंगे, उसको उसको ब्रैकेट में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अपन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं है ना, कॉपी कर लो इसको भी। देखो एक तो नॉर्मल फॉर्म था ही था, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म था ही था, उसके अलावा दो फॉर्म और पढ़ चुके हैं हम लोग है ना, लेकिन इन दोनों फॉर्म में कुछ खास नया नहीं है, राइट? अगली जो चीजें आ रही है उसमें थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ये याद नहीं करना है, ये बस आपको जानना है कि हाँ ऐसा भी होता है। अगला जो है ज्योमेट्री ऑफ पैराबोला पे क्वेश्चन, किसके टर्म से बनाएंगे? ज्योमेट्री ऑफ पैराबोला, पैराबोला की कुछ प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करूंगा मैं। ठीक है, आपको पैराबोला की प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, उससे अपनी इक्वेशन कैसे बन जाती है ये बताऊंगा। ठीक है, मान लो ये अपना पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी है, मान लो ये अपने पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी है बेटा, क्या ट्रैजेक्टरी है और क्या। अब मैं
बोल रहा हूँ, पार्टिकल को हमने इधर से फेंका है वेलोसिटी यू से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पर, तो यहाँ लैंड कितने एंगल पे करेगा, तो बेटा थीटा एंगल पे ही करेगा, इस बारे में बाद बात करेंगे, पर लैंड भी कितने एंगल पे करेगा, थीटा एंगल पे ही लैंड करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लूँ, लेट्स से ये मेरे पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी के ऊपर पॉइंट है पी, इस पॉइंट ए से मैंने इसको फेंका है और ये पॉइंट बी पर जाकर लैंड हुआ है, ओके। तो एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर रिजल्ट आता है, अगर आप ए और पी को जोड़ दो, कनेक्ट ए विथ पी, वी गेट दिस एंगल एज लेट्स से अल्फा, एंड इफ वी कनेक्ट पी विथ वी, वी गेट दिस एंगल एज लेट्स से बीटा। दिख रहा है ना सबको कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. Then the equation of trajectory is tan alpha plus tan beta equals to tan theta. ये आपकी equation of trajectory. आप बोलोगे सर इसमें ना x ना y, कैसी equation of trajectory है ना? Yes, sir. देखो ये अपना x है, हाँ या ना? Yes, sir. ये अपना y है, हाँ या ना? Yes, sir. ये क्या है? R minus x है ना? Yes, sir. Right? अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है tan alpha कितना हो जाएगा y by x, tan beta कितना हो जाएगा y upon R minus x equal to tan theta. बन गई equation कि नहीं बन गई equation? Yes, sir. ना? Yes, sir. लेकिन इस आंसर में देखिए यू नहीं आया, यू यूज नहीं हुआ, क्या यूज हुआ? आर यूज हुआ, सर इज इन टर्म्स ऑफ आर, राइट। ज्योमेट्री ऑफ पैराबोला से ये इक्वेशन बनती है क्या, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। उस समय की हाइट तो हम लोग को पता ही पता रहना, वाई है ना हाइट, ये तो आते क्या यहाँ पे वाई? सर वो लाइन वाई परपेंडिकुलर है, वाई तो हाइट है ना बेटा, उसके में 90 डिग्री बेटा, तभी तो मैं टेन थीटा टेन अल्फा और टेन बीटा लिख पा रहा हूँ, वाई तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ना आप। यस सर, यस सर। कॉपी हो गया? यस सर। और रुक जाएगी? यस सर, डन। तो ये एक फॉर्म हो गया, अगला फॉर्म यहीं से डिराइव हो जाएगा, वैसे उसका दूसरा डेरिवेशन भी करूंगा क्योंकि मैंने इसको बिना डिराइव कराए लिखा है ना, लिखा ना इसको बिना डिराइव किए। यस सर। तो इसको तो इसका डेरिवेशन मैं भी नहीं करा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा इन टर्म्स ऑफ रेंज, वो भी अपन ने अभी भी ड्राइव किया, किया कि नहीं किया? यस सर। क्या है कि मान लो प्रोजेक्टाइल है, तो किसी पॉइंट को जोड़ देंगे तो हमने क्या आएगा अल्फा, ये क्या बोला टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बोला है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सर वाई अपॉन एक्स है ना, वाई दिस इज एक्स, दिस इज आर माइनस एक्स, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन आर माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू आर, एलसीएम लूंगा ना, एक्स इंटू आर माइनस एक्स क्या जाएगा, आर माइनस एक्स प्लस एक्स आर equal to tan theta means y is equal to x tan theta into 1 minus x by r, आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir.
यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या बन गई, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाय r, ये आपका इक्वेशन बना। कोई दिक्कत है किसी को? पहला लाइन कैसे लिखे से एक और बार बता दीजिए। पहला लाइन तो अभी तक ड्राइव किया ही नहीं है ना। मैंने बोला इस इक्वेशन में ये tan अल्फा है ना, तो ये अल्फा है ना, tan अल्फा क्या होगा अपोजिट बाय एडजेसेंट बाय बाय x, tan बीटा क्या होगा अपोजिट बाय एडजेसेंट बाय अपॉन r माइनस x, है ना। ये तो एक डेरिवेशन हो गया, बट एक्चुअल में डेरिवेशन उल्टा है, यहाँ से यहाँ पहुँचते ठीक है। मैंने ऐसे कराया, ये हम लोग अलग तरीके से ड्राइव करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पहुँच सकते हैं। ओके हो जाएगा, समझ में आ गया। यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम है। दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेंज। अब इसको कैसे ड्राइव करें, बहुत सिंपल सी बात है। जो दूसरा डेरिवेशन है इस इक्वेशन का, क्योंकि ये तो पहले से था नहीं ना हमारे पास, अभी तक प्रूफ किया क्या मैंने, नहीं ना। एक्चुअली यहाँ से ये प्रूफ होता है, मैंने उल्टा करके दिखाया। तो अब आप इधर से उधर जा सकते कि नहीं जा सकते? Yes, जा सकते हो ना। सो अब मैं दूसरा प्रूफ बता रहा हूँ आपको। अपने पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही था ना। यस सर। तो मैं एक्स टेन थीटा इसमें से कॉमन ले लेता हूँ ओरिजिनल इक्वेशन से, तो क्या बचेगा, वन माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू x tan थीटा, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस यस आएगा। तो ओरिजिनल इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से x tan थीटा मैंने जबरदस्ती कॉमन, यस सर, कॉमन है तो नहीं पर मैंने जबरदस्ती निकाल लिया। तो क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा निकल गया, तो यहाँ वन, यहाँ हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक्स टेन थीटा से डिवाइड कर दो, राइट। यस यस। अब क्या होगा, एक्स एक्स को मार देगा, ठीक है। टेन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। यस सर। दैट इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस, ऊपर आ जाता चलो, एक्स टाइम्स जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा हो जाएगा। यस सर। x हाँ, क्या बचा ये, ये 1 बाय r है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ओके अब देखो, ये सब जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन भूलने के चांसेस बहुत होते हैं, यूज़ कम होगा, राइट। यस सर। इस और मैंने ये चीज़ देखा है, बट स्टूडेंट्स इसको याद नहीं रख पाते, इसीलिए मैंने बोला अगर आप याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रख पाते हो ठीक है याद रख लो, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो एक लाइन में ही जा रहा है ना वो रिलेशन। यस सर। और कई बार तो आपको यही इक्वेशन प्रूफ करने के लिए बोलता है, तो अपन को तो याद ही है, या प्रूफ नहीं करने के लिए बोलता है, ऑप्शन में से बोलता है कि बताओ इनमें से कौन कौन से रिलेशन ट्रू है, उसमें से एक रिलेशन ये दे रखा होता है, ठीक है। तो अपन को ऐसे ही याद, अपन ऐसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो चार फॉर्म्स बताए मैंने आपको, क्या क्या था, पांच हो गए इनफैक्ट। एक तो ओरिजिनल वाला था, दूसरा टाइम के टर्म्स में, तीसरा थीटा के टर्म्स, थीटा निकालने, थीटा निकालने के लिए, थीटा के टर्म्स में सारे ही हैं, थीटा निकालने के लिए, चौथा रेंज, रेंज के टर्म्स में, और पांचवा अल्फा बीटा के टर्म्स में, राइट। यस सर। ज्योमेट्री ऑफ पैराबोला, ज्योमेट्री ऑफ पैराबोला, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस
पता है ना कि जहाँ पे शूट करना होता है उस जिसको हिट करना चाहते हो उससे थोड़ा ऊपर एम लगाया जाता है। खेले हो कि नहीं खेले कोई बंदूक से? एक्चुअली मैं देखे सर, एक्चुअल देखे हैं बट ट्राई नहीं किया। अरे असली बंदूक की बात नहीं कर रहा, टॉय बंदूक, टॉय गन से तो खेले होगे ना? यस, आर्ट से। तो टॉय गन से अगर खेले हो तो ये तो देख पता होगा ना कि जहाँ अगर निशाना लगा रहे हो कभी तो थोड़ा सा ऊपर टारगेट किया जाता है। या कभी खेले ही नहीं टॉय गन से सर? उतना खेलने का मौका का वो नहीं था, अपन तो हमेशा मोबाइल पे ही खेले। नहीं बचपन में तो खेले सर, फोन पे भी तो सर ऊपर ही एम करना पड़ता है। फोन पे फील थोड़ी ना आती है यार। यस सर, बट ऊपर ही एम करना पड़ता है। फील नहीं आती भाई, फिजिक्स ना सीखोगे उससे तो भी है। बट ये तो पता है ना यार, अगर नहीं भी खेला है तो पता तो है ना कि थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे तभी तो गिर के सही जगह जाएगा। यस सर, तो यही पूछ रहा है कि कितना ऊपर लगाओगे, कितना ऊपर एम करोगे। समझ में आया? देखो यार, ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान, नॉर्मली कुछ भी हो सकता है बट अगर सिचुएशन ऐसी है कि स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस है 100 मीटर तो टाइम बहुत छोटा होने वाला है ना, 0.2 सेकंड्स। यस, 0.2 सेकंड्स के आसपास। चलो 0.2 सेकंड नहीं, 0.2 सेकंड के आसपास रहेगा क्योंकि हम स्ट्रेट नहीं मार रहे, राइट? यस सर। तो क्या हो रहा है, समझिए बात को। यहाँ पर आपका टारगेट है, यहाँ से आप एम लगा रहे हो तो आप इसे थोड़ा सा हाइट ऊपर मारोगे ना? यस सर। ये आपका टारगेट है और ये आपका एम है, राइट? यहाँ आप एम करोगे ना? और ये डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, और टाइम कितना है, 0.2 सेकंड। तो 0.2 सेकंड में कोई चीज कितना नीचे गिरती है, हाफ जी इंटू 0.2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 × 0.04, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर, राइट? 20 सेंटीमीटर है ना? कोई बात नहीं। Yes, अब देखो, मतलब आपका जो एम है इससे थोड़ा सा हाइट पे रहेगा, थोड़ा ऊपर रहेगा, राइट? और वो जो हाइट रहेगी वो इतनी छोटी रहेगी, 20 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी। तो ये हाइट अगर बहुत छोटी है, ये 100 मीटर है, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर ही है ना? यस सर। दिस इज स्मॉल, मैं यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट करके दिखा रहा था, बट दिस इज स्मॉल, ये मैं बोलना चाहता हूँ, है ना? तो दिस इज ओनली 100 मीटर्स, सॉरी अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर्स ओनली, है ना? है ना? Yes, तो जो टाइम लगेगा एम तक पहुंचने में या टारगेट तक पहुंचने में, टाइम इज अप्रोक्सीमेट, टाइम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर अपॉन 500 मीटर पर सेकंड ही होने वाली है, है ना? Yes, sir. तो होगा क्या असली में, देखो यहाँ से गन चलाई, यहाँ पे आपका टारगेट है, आपने इसको फायर किया ऐसे, आपने यहाँ एम लगाया मान लो, और आपकी बुलेट ऐसे गई, नहीं ना होगा सर? वो 500 मीटर पर सेकंड होगा। हाँ ठीक है, 500 होगा। तो हमारा टारगेट एम हमने यहाँ किया, थोड़ा सा मैं डायग्राम को थोड़ा अच्छा बड़ा बनाता हूँ जिससे कि बड़ा नहीं, मतलब थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बनाता हूँ जिससे कि समझ में आए क्या क्या हो क्या रहा है। हमने बुलेट से फायर किया, बुलेट फायर किया कुछ इस तरीके से, ये बुलेट यहाँ एम करके फायर किया गया और बुलेट ऐसे जाएगी, है ना? यहाँ पे आपका टारगेट था, राइट? आया ना? ऐसे कुछ है ना सीन? तो ये जो हाइट नीचे ये गिरेगा, ये हाइट h, ये हाइट h कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर ही तो होगा। यस सर। तो अपने पढ़ा ना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में कि भैया ओरिजिनल लाइन से हाफ जी टी स्क्वायर नीचे,
वही निकालना है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना 0.2 राइट। यस ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर पर सेकंड 100 मीटर ही होने वाला है, वजह से टाइम बहुत छोटा लगने वाला, और क्योंकि टाइम बहुत छोटा लगने वाला है इसलिए जो कितना हाइट ऊपर एम करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली हाफ जी टी इसका। यस सर आगे बढ़े। yes, sir. क्या यूज किया आपने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट यूज किया कि नहीं किया? यस सर। यस सर वो पढ़े बिना समझ में आता है क्या? नो सर। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो सॉल्यूशन में इतना ही बताते हैं, ये नहीं आता कि हुआ क्या ये, है ना? पूछते रहते सर बच्चे स्ट्रेट लाइन में जा नहीं रहा सर, क्या सर वैसे हो रहा है, बट क्वेश्चन सिंपल है ना ये, एक बार समझ में आ गया तो। यस सर। यस सर पढ़िए। बुलेट से टारगेट को हिट करना, बट बीच में दीवार है, इट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है एट। सर ग्रेजेस पास्ट का मतलब क्या होता है? रेसेस पास्ट का मतलब वो बस हल्का सा छू के निकल जाती है, टच करके निकल जाती है, समझ आएगा? यस सर। टच नहीं करता, बस टच करता नहीं पर टच करके निकल जाता, समझ में आ गया ना? यस सर मतलब अपीयर टू बी टचिंग, एकदम जस्ट निकलता है वहां से, ठीक है? यस। देखो यहाँ ना यू पता है ना थीटा पता है, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया कि नहीं हो गया बताओ? यस सर हो गया ना, तो एज्यूम करना, एज्यूम करो, इक्वेशन बनाओ, वेरिएबल बढ़ते जा रहे हैं, ना टाइम पता ना कुछ पता, बस सॉल्व करे पड़ो, तीन तीन चार चार इक्वेशन बनेंगे इसमें सॉल्व करोगे, है ना? आया ना? यस सर। मैं अपने जमाने में ऐसे ही किया करता था, तो ये सब नहीं पढ़ाई जाती थी, जो आपको आलतू फालतू चीज़ें पढ़ाता रहता हूँ ना जिससे आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाते हैं, वो सब नहीं पढ़ाया जाता, हमको बताया था ये थ्योरी है, ये बेसिक है, यूज़ करो सॉल्व करो, ठीक है? ठीक है। यस सर। अभी तो बहुत कुछ आसान हो गया आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत लल्लू है, आसानी से कर लोगे आप, पता है कैसे? देखो अगर हम प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे या बुलेट फायर करेंगे तो ऐसे जाएगा, धप करके गिरेगा उसके ऊपर टारगेट, है ना? तो मैं यहाँ पर अगर अप्लाई कर दूँ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज या फिर ज्योमेट्री ऑफ पैराबोला, एक ही बात है, दोनों से दोनों में अंतर है क्या? बोलो सर, आपका वॉइस कट रहा था, एक बार फिर से रिपीट करिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि ना तो यू पता है और ना ही थीटा पता है, बोथ अननोन है, राइट? यस सर। इसलिए अगर मैं नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारी इक्वेशन बन जाएंगे, एक सिंगल प्रोजेक्टाइल के लिए बहुत सारी इक्वेशन बन जाएंगे, राइट? यस सर। हाँ, देख के क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ सर सॉल्यूशन शायद एक ही होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा? यस सर। यस सर। पर इक्वेशन बहुत सारी बन जाएंगी, तो इसलिए
और मैं वो करना नहीं चाहता, तो मैं कोई ऐसी इक्वेशन यूज़ करना चाहता हूँ जिसमें यू और थीटा में से कोई एक ही यूज़ हो या एक भी यूज़ ना हो। सर इन टर्म्स ऑफ रेंज कर सकते हैं, उसमें सिर्फ थीटा लगेगा, सिर्फ थीटा लगेगा। तो क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन लगा सकते हैं सर वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाय आर, दैट इज यहाँ आर कितना है, डी है ना, यस सर। आर की जगह क्या आएगा, डी कर देते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि सब कुछ पता ही है, सिर्फ थीटा निकालना है ना, समझ में आई बात, क्या आ जाएगा वाई टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स वन माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स अपॉन डी, राइट, यही बना ना, यस सर। कितना बन गया yd upon x into d minus x, ये आपका angle of projection आ गया, है ना? आया? Yes. आया? tan inverse of yd upon x into d minus x, सब कुछ given है, y की जगह क्या आएगा, h आएगा, यस सर h आएगा, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, थीटा आ गया एक तरीके से, देखो नंबर देगा तब ना वैल्यू निकालोगे, ऐसे तो निकाल नहीं पाओगे, यस सर। तो ये तो अंडरस्टूड है, अब आपको थीटा पता है तो आप क्या कर सकते हो, आर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था रेंज का सर, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, क्योंकि थीटा पता है आपका यू निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, देखो जब तक नंबर्स नहीं देंगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना गंदा थीटा यहाँ लेके जाके सॉल्व नहीं कर पाओगे, वैसे सॉल्व कर भी सकते हो, साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा का टर्म्स में पता है कि नहीं पता, क्या था tan theta का टर्म्स में sin 2 theta का फॉर्मूला पता था, पढ़ा है ना, याद तो नहीं है पर पढ़ा तो है, यस सर याद नहीं है लेकिन पढ़ा है, समझ में आ गई बात, कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा मैथ्स का, फिजिक्स के अंदर कोई भरोसा नहीं है, ओके। अब मैं इतना ज्यादा यूज नहीं होता इसलिए मैं क्लास के अंदर sin 2 theta का फॉर्मूला tan theta के टर्म्स में नहीं बताता हूं, अभी भी नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को खुद से पढ़ना है, ओके? लेकिन अगर आपको साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा के नाम से पता हो तो टेन थीटा की वैल्यू मालूम है, आपका आंसर अभी भी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, yes, sir. आ जाएगा ना सर, तो इस क्वेश्चन का आंसर थीटा का सर वो मतलब इक्वेशन टाइप वो आंसर हुआ, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज तो है नहीं, आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए, राइट, आना चाहिए क्या, नो सर नहीं आना चाहिए, ओहो सर कॉपी नहीं किए थे, कॉपी नहीं किए थे, कॉपी कॉपी कर लिए तो उसको फोटो भेज देना, ठीक है, ओके सर। ये बेटा तो जो भी है मैं कह रहा था तो वापस करा दूं सर, वो लास्ट वाला लाइन एक बार लिख दीजिए, यस सर, थीटा जहां पे आप लास्ट लिखे थे वहां से करवा दीजिए, बाकी स्टार्टिंग का मेरे को रटा हुआ थोड़ा ना आंसर, सर d इक्वल टू यू स्क्वायर, देखो अपने पास tan थीटा की वैल्यू आ चुकी थी, कितनी आई थी tan थीटा, सर yd / x सर yd x * d - x, d - x, अब हमारा हमें u निकालना था, रेंज पता है क्या पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं सर, रेंज डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय डी, दैट मींस मुझे चाहिए था यू, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी अपॉन साइन
टू थीटा राइट, कोई दिक्कत? नो सर। अब मेरे को साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा के नाम से पता होना चाहिए, पता है क्या आपको? टेन टेन सर टेन टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टू टेन थीटा, टेन टू थीटा कितना होता है? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा राइट। यस सर। और साइन टू थीटा क्या होता है? टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? यस। तो दैट इज इक्वल टू पी डी अपॉन टू टेन थीटा बाय डी बाय एक्स इंटू डी माइनस एक्स, ठीक है? और ऊपर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस वाई डी बाय, मैं समझ रहे हो ना बात को? पहले सब्स्टिट्यूट करके गंदा सा आंसर आएगा, अच्छा आंसर आना है नहीं। यस सर, बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, अच्छा हो सकता है सिंपलीफाई को कुछ ठीक सा आ भी जाए, बट बहुत अच्छा तो नहीं आने वाला राइट। यस सर। तो बस यहाँ पर, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो गंदा ही क्वेश्चन दे रखा है, क्या करोगे, छोड़ दोगे क्या? नहीं ना, साइन टू थीटा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर लिखेंगे और क्या, ठीक है? यस सर। बेटा यस सर, चाहो तो यहाँ पर आप पी डी अपॉन टू टेन थीटा इंटू ऊपर आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक आप लिख सकते हो वेयर टेन थीटा इज इतना, ऐसे भी आंसर किया जाता है, ठीक है बेटा? अगर सब्जेक्टिव हो तो ऐसे भी लिखा जाता है दिस वेयर टेन थीटा इज दिस, हालांकि सब्जेक्टिव में इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं क्योंकि आईआईटी तो एक सब्जेक्ट एग्जाम ले नहीं रहा। हम लोगों के पास इतनी वो होती थी, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो हम लोग इस तरीके से आंसर लिखते थे कई बार, तो यू स्क्वायर इज इतना वेयर टेन थीटा इज इतना, इट वॉज एक्सेप्टेड। ओके आगे बढ़े। यस सर। यस सर डन। यस सर डन। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल ये कैसे निकालेंगे? देखो भाई, ये अपना प्लेटफॉर्म हॉरिजॉन्टल प्लेन है मान लेते हैं, यहाँ से हमने एक बॉल को फेंका, बॉल ऐसे जा रही है, क्या होगा? क्या होगा, इनिशियली तो ये थीटा एंगल में प्रोजेक्ट की गई है वेलोसिटी यू से, पर थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि जो बॉल है इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी ना? यस यस है ना, है ना? मैं सर, ऐसे तो हर पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन होगा। हाँ, और मैं ये अल्फा निकालना चाहता हूँ, ठीक है? हर एक पॉइंट पे ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू अलग अलग आएगी, मैं अल्फा निकालना चाहता हूँ कि किसी पॉइंट पे निकालना मुझे आना चाहिए, ठीक है? समझ में आई बात? तो अब अल्फा निकालने के लिए आपको पॉइंट तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सा पॉइंट है भाई, आया ना? यस सर। यस, पॉइंट को बताने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं सर? हमको हो सकता है क्वेश्चन में ये बोला जाए जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाता है तब बताओ, आया ना? Yes, जब टाइम टी हो जाता है तब बताओ, या पूछा जा सकता है जब ये हाइट एच पे होगा या वाई पे होगा तब बताओ, है ना? Yes, तो पहला है अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स और टी, एक्स पता हो या टी पता हो तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? अपन आराम से बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस यस सर, बोल सकते हैं ना? तो ये तो अपन यूज करेंगे, तो अगर एक्स गिवन है तो हम टाइम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? अब हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू कॉस थीटा जो कि कॉन्स्टेंट रहने वाली है, और वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पर कितनी है, यू साइन थीटा। ये वेलोसिटी जो यहाँ पे u cos थीटा है यहाँ पर भी कितनी होने वाली है,
u cos थीटा होने वाली है और यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी v y राइट यस तो टाइम t के बाद v y कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा u y माइनस g t हाँ या ना यस सर इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस g t ठीक है देयरफॉर अब मैं क्या बोल सकता हूँ tan अल्फा कितना होगा बेटा मतलब हमें अल्फा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा इस तरीके से अभी फॉर्मूला नहीं है बस तरीका है ओके सर समझ में आया ध्यान दीजिएगा इसको इसको रटना नहीं है कई लोग फॉर्मूले को रट लेते हैं इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए कि आपके लिए इतना नेचुरल होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आप बिना रटे डायरेक्ट अप्लाई कर पाओ बिना रटे दिमाग में लिख पेन उठकर पेपर तक पहुँचने से पहले दिमाग में ड्राइव हो जाना चाहिए लेकिन याद नहीं होना चाहिए समझ में आया दोनों में डिफरेंस है समझ में आ रही बात यस सर डेरिवेशन ऐसा होना चाहिए कि कुछ बुक से नोटबुक तक जितनी देर पेन पहुंचे उतनी देर में डिराइव दिमाग के अंदर ही डिराइव हो जाना चाहिए पर याद फिर भी नहीं होना चाहिए ठीक है बेटा ओके सर यस सर मैं ऐसे ही करता हूँ बेटा बता दे रहा हूँ ठीक है चलो क्योंकि देखा जाए तो कुछ है थोड़ा ना वी वाई की वैल्यू कितनी होगी यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा टैन अल्फा होगी इतना ही ना डेरिवेशन है यस सर इससे इससे मुश्किल डेरिवेशन है मुश्किल तो नहीं है नो सर अगला है अल्फा फिर से निकालेंगे बट इस बार निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट वाई वाई और एच हाइट एच भी दे सकते ना एक ही बात है ना यस तो बहुत सिंपल सी बात है फिर से क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इस बार tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन यू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच अपॉन यू कॉस थीटा है ना यू वाई कितना है यू साइन थीटा हो गया डेरिवेशन की टाइम लगा इसमें yes, ये डेरिवेशन भी वैसे ही होना चाहिए कैसे विद इन अ सेकंड दिमाग के अंदर जब मे बी टू सेकंड्स अगर पिछले वाले में एक सेकंड लग रहा है इसमें हो सकता है दो सेकंड लग जाए क्योंकि अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाना है दैट इज ओके बट दो सेकंड से ज़्यादा नहीं ठीक है बेटा यस सर तब माना जाएगा कि हाँ आपका प्रोजेक्टाइल पे कमांड बन रहा है नहीं तो ठीक है प्रोजेक्टाइल मोशन आता है फिर हमें कमांड बनाना है ओके आगे बढ़े यस सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो इसके आगे जाके क्या होगा टाइम टी पे टाइम अगर आधे हाफ टाइम से ज्यादा हो गया तो टी बाई टू है ना टी बाई टू से अगर ज्यादा हो जाएगा तो वी एक्स तो वही रहेगा यू कॉस थीटा लेकिन वी वाई क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस जी टी है ना यस सर नेगेटिव आ जाएगा तो अल्फा आपका नेगेटिव आ जाएगा अल्फा आपका नीचे की तरफ आ जाएगा समझ में आई बात सर ये और एक बार बता दीजिए UI का फॉर्मूला क्या है UI माइनस GT है yes, sir. क्या होगा नेगेटिव आएगा अगर टाइम टी बाई टू से बड़ा हो गया UI माइनस जी टी बाई टू कितना है जीरो है yes, sir. Yes, sir. तो UI माइनस GT नेगेटिव हो जाएगा अगर टाइम T इज ग्रेटर देन टी बाई टू हाँ या ना yes, तो ये VY नेगेटिव हो गया तभी तो नीचे की तरफ आया यस सर अल्फा भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब समझ में आई बात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया जैसा भी बोल लो
मतलब हमने जिस सेंस में अल्फा को लिया था उससे अपोजिट सेंस में अल्फा आ गया, राइट? यस सर। इजी की डिफिकल्ट है सर? इजी इजी है। हाँ अब बोलो सर, सेम हाइट पर सर उससे तो नेगेटिव आ रहा सर, इससे कभी नेगेटिव आ ही नहीं रहा है ना, तो जवाब ये है कि यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, राइट? यस सर। हाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2s नहीं है सर, तो वहां पे tan अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस u sin थीटा, सेम हाइट। बेटा आपने तो क्वेश्चन को बताया, बताओ हाइट h पे tan अल्फा कितना होगा, तो उसने बोला यार दो होगा, एक तो यहां पर होगा और एक यहां पाया जाएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, ओके? यस सर। आपने क्वेश्चन से क्या पूछा, आपने बोला बताओ हाइट, या आपने इक्वेशन से क्या पूछा, आपने बोला कि सर क्वेश्चन अंकल बताइए हाइट h पे अल्फा कितना होगा, तो उसने बोला देखो यार हाइट h के अगर पूछोगे तो अल्फा की दो वैल्यू आएंगी बस, और ऊपर जाते वक्त एक बार नीचे आते वक्त। यस सर। कोई आपत्ति? नो सर। मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो अल्फा जीरो हो जाएगा, वाई जीरो हो चुका है अल्टीमेटली, तो फॉर्मूला ये है ना भाई, वाई जीरो हो गया तो अल्फा जीरो हो गया, राइट? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। दिक्कत हो गई ना, तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हो, है ना? यस सर। एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ जा रहा है बीच में। देखो तो इसके लिए क्या करते हैं, पूरा डायग्राम बनाते हैं पहले अच्छे से, बार सोचते हैं क्या करना चाहिए, है ना? देखो मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया था, याद रखो किसी ने अगर फॉर्मूले की तरह देखा ना पिछला वाला पेज तो उसको उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए मैंने अगला क्वेश्चन ऐसा दिया जिसमें आप फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकाल पाओ, ठीक है? क्या करना है हमें यहाँ पे,
सबसे पहले बोलेंगे लेट्स से ये प्रोजेक्टाइल फायर किया हमने, ऐसे जा रहा के गिरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि इसको हमने कुछ वेलोसिटी से फेंका, ये यू पता नहीं है, कितने एंगल में फेंका ये थीटा पता नहीं है, निकालना है ना। ये बोला कि दो सेकंड के बाद पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर है, सच दैट इसकी जो वेलोसिटी है ये 30 डिग्री है। यस, अल्फा कितना है 30 डिग्री आपको गिवन है, राइट। ये कब है, 2 सेकंड्स पर है। और बोले इसके बाद एक और 2 सेकंड अगर इंतजार करोगे तो पार्टिकल वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मतलब टॉप ऑफ साउंड पे पहुंच चुका है। यस है ना, पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है मतलब टॉप ऑफ साउंड पे पहुंच चुका है ना, राइट। यस, ये कब है, 4 सेकंड्स पर, ये 4 सेकंड्स पर। अगर सिर्फ दो, मतलब यहाँ क्या किया है, आपकी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर दिया है ना। यस सर, दो जगह का अल्फा दिया गया, एक दो जगह का अल्फा दिया गया, किसी भी जगह की वेलोसिटी नहीं गिवन है, राइट। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दो जगह का अल्फा दिया गया है ना। यस सर, अब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि यार मैं काम करता हूँ, इसकी वेलोसिटी हर जगह हॉरिजॉन्टल वाली कांस्टेंट रहेगी, उसको तो मैं यूएक्स बोल देता हूँ, ओके। उससे पहले एक और काम करना था, इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं ए बी सी, जिससे बातें करना आसान पड़े, समझाना एक दूसरे को आसान पड़े, है ना। yes. अब देखो ए और बी दोनों को अगर आप ए से बी तक का मोशन कंसिडर करोगे तो आपको एक समस्या का को झेलना पड़ेगा। क्या झेलना पड़ेगा मालूम है, दोनों में से किसी जगह की वेलोसिटी नहीं पता, किसी जगह का एंगल नहीं, किसी जगह कुछ भी नहीं मालूम, किसी जगह पे आपको वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं मालूम, राइट, है ना। यस सर, आपके पास दो ऑप्शन, आपके पास तीन ऑप्शन है, ए टू बी कंसीडर करो, ये तो बेवकूफी है, राइट। यस सर, अगर कोई ए से लेकर सी तक कंसीडर करे, सर ये बढ़िया लग रहा है, सर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, सॉरी आधा टाइम पता है, 4 सेकंड, वैसे कुछ को सॉल्व कर लूँगा तो ठीक हो, ठीक है, कम बेवकूफ़ी है, बट बेवकूफ़ी अभी भी है। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगी, लेकिन आपको तो थीटा चाहिए ना? Yes, sir. वो निकाल नहीं पाओगे, राइट, निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे, नहीं। तो पहले हम लोग आसान पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, बी से लेकर सी तक का, ये समझदारी है। यस सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल पता है, यहाँ से यहाँ तक के अगर वाई डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी पता चल जाएगी, है ना। यस सर, ये वर्टिकल वेलोसिटी पता होगी, एंगल पता होगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लेंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लेंगे तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है। यस सर, अब हम यहाँ की वर्टिकल वेलोसिटी निकाल के थीटा निकाल पाएंगे, हाँ या ना। यस सर, रास्ता क्लियर है। यस सर, कैसे सोचते हैं क्लियर है, इंपॉर्टेंट चीज वो है, तब कौन सा रास्ता लिया जाए ये कैसे सोचते हैं, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। तो सर आप कैसे गेस कर लिए कि बी टू सी ही ले सकते हैं सर? तो बताया तो आपको तीनों, मतलब तीन ऑप्शन है, ए टू बी कंसीडर करो, ए टू सी कंसीडर करो, बी टू सी कंसीडर करो, और कोई ऑप्शन है क्या? नो सर, पहले वाले दो बेवकूफी है, मैंने बता दिया क्योंकि मेरे पास वेरिएबल बहुत ज्यादा हो जा रहा है, सॉल्व कैसे करूंगा। तीसरे वाला होशियारी, क्योंकि उसमें वेरिएबल एक ही है, है ना। यस सर, यस ये तो सिखा रहा हूँ, आप ऐसे सोचोगे तो समय बचेगा, ठीक है। यस सर, अब मैं मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, मैं ये टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो अपना टाइम बचा सको और डिफिकल्ट, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाओ। तो अगर मैं बी से लेकर सी तक के बारे में बात करूँ तो मैं बोलूँगा क्या, इसको मैं बोल देता हूँ यू एक्स, है ना, इसको मैं यू वाई बोल देता हूँ, इसको वी वन बोल देता हूँ, ठीक है। यस सर,
तो यू बी से लेकर सी तक के लिए यू जो ही तो आता है, इसको यू आई नहीं बोल रहा मैं क्योंकि यू आई मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, राइट, कन्फ्यूजन होगा बाद में, तो मैं बी वन बोलता हूँ, इसको वी टू बोलता हूँ, ठीक है। तो बी से लेकर सी तक के लिए यू आई कितना है, वी टू है, टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स है, राइट, आया ना। यस सर। ए वाई कितना है सर, माइनस जी है। यस सर। और वी वाई कितना है सर, 0 है, राइट, आया ना। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मैं निकाल सकता हूँ ना, देयर फॉर वी टू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाना है और क्या करना है। yes, आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। वी टू कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, चलो भैया यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज आपका जो टेन अल्फा है दैट इज इक्वल टू वी टू बाई यू एक्स, दैट मीन्स अल्फा कितना 30 डिग्री, 1/√3 इक्वल टू वी टू बाई यू एक्स, दैट मीन्स यू एक्स इज इक्वल टू वी टू रूट थ्री, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 20√3 meters per second। चलो बहुत बढ़िया बात है, मतलब ये यू एक्स निकल गया 20√3 meters per second, यहाँ की वेलोसिटी आ गई 20√3 meters per second। यस सर। ये यू एक्स कितना है, 20√3, बहुत बढ़िया बात है, मतलब अब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम है। यस सर। अब अगर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी निकालेंगे तो थीटा निकल जाएगा। यस सर। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ए से बी लगा सकते हो चाहे ए से सी लगा सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए से सी लगाना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन की 0 इक्वेशन थोड़ी सी स्लाइड आसान पड़ेगी, है ना। इसके बाद में लगा रहा हूँ ए टू सी, राइट, ए से लेकर सी तक की अगर इक्वेशन लिखूंगा तो क्या बोलूंगा, बी वन माइनस जी इन टू 4 इज इक्वल टू 0, 40 meters per second, है ना, आया ना। यस सर। तो मेरा टेन थीटा कितना हो जाएगा, 40/√3 that is equal to 2/√3 root 3 answer। समझ में आया? Yes sir। अब देखो ये मत सोचना कि जब मैं पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था अपने जमाने में या अपने टाइम पर प्रिपरेशन के टाइम पे, मैं पहले दिन ही ऐसे कर रहा था, ऐसा नहीं है। मैंने पहले बेवकूफ पहले मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया बेवकूफ वाले तरीके से, आंसर नहीं आया। क्या फिर क्या किया, मैंने कम बेवकूफ वाले तरीके से सब अटेम्प्ट किया, सॉल्व नहीं कर पाया, बहुत तकलीफ हुई। फिर मैंने तीसरे अटेम्प्ट में जाकर इस क्वेश्चन को सही से कर लिया। ओके बेटा। यस सर। यस सर। सही बात है या ना। यस सर। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये प्रैक्टिस से आती हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस आप करिए, गलतियां करिए, गलतियां करी बिना कोई कुछ नहीं सीखा। ओके। यस सर। एक चीज समझिए कि एक स्टोरी है पुरानी, आजकल तो मतलब मैं अक्सर हमेशा हर साल सुनाता रहता था, आजकल टीवी सीरीज में आ गई वो, पर थोड़ा गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ ये स्टोरी, टीवी सीरीज आ जाती है पहले जो मैं पहले से सुनाता था, फिर मैं सुनाता हूँ तो बोलता सर टीवी सीरीज से कॉपी किया, नॉलेज तो उतनी ही है, आजकल टीवी सीरीज इतनी ज़्यादा है क्या किया जाए, है ना। सुननी कहानी। यस सर। ये एक्चुअली कहानी आपके बिजनेस स्कूल की है असली में, टीवी सीरीज में शायद इसको आर्ट स्कूल की कर दी गई थी, बट इसलिए बिजनेस स्कूल की है, ठीक है। बिजनेस में जब साफ साफ आपको सिखाया जाता है किसी बिजनेस स्कूल में कि भैया फेल फास्ट एंड फेल मिजरेबली। यस सर। सही बात। यस सर। फेल फास्ट एंड फेल मिजरेबली क्यों बोलते हैं कि यार गलती करो
फेल हो जाए बिजनेस कोई बात नहीं, अगला बिजनेस संभाल लेना उससे जो सीखो उससे। और ऐसा मत फंस जाना कि फेल भी नहीं हो रहा है, संभल भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बीच में फंस गए। तो क्या ना तो छोड़ते बनेगा ना निकलते बनेगा, है ना? मतलब हल्का हल्का चल रहा है तो उसमें लोग फंस जाते हैं। तो बोले गलती करो तो पूरी करो और जल्दी करो, जिससे कि तुम्हारे पास अगली गलती करने का मौका हो। और पूरी करोगे तो क्या होगा कि मतलब ठीक है निकल लो, समझ में आई बात? यस सर। पैसे डूबेंगे, टाइम नहीं डूबना चाहिए, कहने का मतलब ये है। पैसे डूब जाए, टाइम मत डुबाओ, समझ में आई बात? यस सर। अब उसी में एक प्रोफेसर ने क्या बोला था, और अब उस प्रोफेसर ने क्या किया, एक क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप को टास्क दिया गया कि अगले 10 दिन में खूब सारी मटकियां बना के लाओ, इतनी हो सके, डजंट मैटर क्वालिटी कैसी है। और मतलब उसको सब सामान दे दिया गया, मतलब मटकी बनाने के लिए जो भी सब सामान वामान चाहिए था सब दे दिया गया, क्ले व्ले सब दे दिया। दूसरे ग्रुप को बोला कि तुमको सिर्फ एक ही मटकी बनानी, लेकिन वो परफेक्ट होनी चाहिए, उस ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया में ऐसी कोई मटकी ना हो। ओके यस सर। अब 10 दिन का टाइम दिया, महीने भर का टाइम दिया कि कितने दिन का टाइम दिया वो मुझे नहीं मालूम, मे बी 6 महीने का टाइम दिया मुझे नहीं मालूम, पर मे बी मान लेते 1 महीने का टाइम दिया गया। 1 महीने बाद जब वो सारे स्टूडेंट्स मटकी लेके वापस आए क्लास में, तो पता क्या देखने को मिला? सब 4-5 करके बना के लेके था। नहीं, देखने को ये मिला कि वो वाला ग्रुप जिसको बोला गया था कि तुम खूब सारी मटकियाँ बनाओ, परफेक्शन की जरूरत नहीं है, उनकी मटकियाँ ज़्यादा तो थी परफेक्ट भी थी। और जिस ग्रुप से बोला गया था एक ही मटकी बनाओ, उसकी मटकी कैसी थी? सर एक ही तो परफेक्टली बनाया था। नहीं, उसकी उनकी मटकी अच्छी बनी ही नहीं थी, बहुत ही बेकार बनी थी। तो ऐसा क्यों हुआ? सर क्योंकि वो सिर्फ एक बार ट्राई किया परफेक्ट करने का, लेकिन सेकंड ग्रुप तो सर फेल होते होते वो वही बात है। वो जो पहला ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप था ना जिसको एक मटकी बनाने के लिए बोला गया, वो पहले पूरी थ्योरी पढ़ा मटकी कैसे बनाते हैं, क्या करना चाहिए, आपस में बैठ कर डिस्कशन किया, हम लोग ऐसे करेंगे तो मटकी परफेक्ट बनेगी, ऐसे करेंगे तो मटकी परफेक्ट बनेगी, ये करेंगे तो मटकी परफेक्ट बनेगी, फलाना ढिमकाना। ओके दूसरा ग्रुप क्या किया, पहली मटकी बनाई बेकार बनी, अगली मटकी बनाई कम बेकार बनी, उसकी अगली मटकी बनाई और ज़्यादा बेकार बन गई, 10 मटकियाँ बेकार बनी, 11वीं मटकी बेटर बनी, 20वीं मटकी बनते बनते ठीक ठाक बनने लग गई, 85वीं मटकी जाके परफेक्ट बनने लग गई, तो मटकी बनाना आ गया, सीख गए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिस एज वेल। आप जब घर में प्रैक्टिस कर रहे होगे ना क्वेश्चन की, यस सर, ये बहुत जरूरी है। फेलियर से डरना नहीं है, सोचना नहीं है ज़्यादा कि गलत हो जाएगा तो क्या होगा, ट्राई कर, गलत होगा होगा। ओके यस सर। यस हाँ, लेकिन जब गलत हो जाए तो सोचना जरूर कि क्यों गलत हुआ, वो इम्पोर्टेंट है। ओके बेटा, यस सर, कॉपी कर लो सर। डन डन हो गया। यस यस ये करो। सर ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होगा आपको कुछ पता है? सर नो आइडिया है। सर हम लोग को तो कह रहे हैं कि 1 जुलाई से झारखंड में स्कूल्स ओपन कर देगा। झारखंड में? यस। तो पिछले साल क्या हुआ था ना, पूरे इंडिया में खुल गया था, बंगाल में बहुत लेट खुला था। यस सर। देखो इस साल क्या होता है, क्योंकि सेकंड वेव डेल्टा प्लस सब बातें शुरू हो चुकी है, थर्ड वेव डेल्टा प्लस सब बातें शुरू हो चुकी है। देखो क्या होगा, देखो जैसा होगा बेटा, हम लोग इस दिन अलाउ करेगा उस दिन खोल देंगे, ठीक है? यस सर।
क्वेश्चन ट्राई करेंगे? यस सर कर। मेरे ख्याल से इसमें मतलब ज्यादा थ्योरी है। सर मोमेंटम कैसे निकाले इसमें? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है और क्या? मास तो सेम का सेम रहेगा। हाँ अच्छा मास लिख लो 1 kg 2 kg ओके यस सर। ये वाला क्वेश्चन ठीक है।
हुआ देखो भाई 100√3 प्रोजेक्टाइल को फायर किया ऐसे 30 डिग्री के एंगल पर 100 मीटर पर सेकंड से 2 केजी इसका मास है प्रोजेक्टाइल ऐसे का टक 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 धड़ है ना ठीक है ना यस सर जब यहाँ टकराया प्रोजेक्टाइल तो इसकी वेलोसिटी किधर है इस डायरेक्शन में है एंगल पर है 30 डिग्री के एंगल पर है यस सही होगा ना तो पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जितना वेलोसिटी ऊपर होगा यहाँ पर उतनी वेलोसिटी नीचे होगी राइट यस अगर मैं हॉरिजॉन्टल को एक्स और वर्टिकल को वाई मान लूँ तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 100 cos 30 डिग्री मतलब 50√3 प्लस 50 ठीक है आया ना यस और v वेक्टर कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 50√3 i कैप माइनस 50 j कैप कोई दिक्कत नो सर तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा सर इट विल बी इक्वल टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस 100 j कैप राइट यस यस इंजन वेलोसिटी कितना आएगा माइनस 100 जे का मीटर पर सेकंड हमें सही था क्या चेंज इन मोमेंटम तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा सर मास इनटू डेल्टा पी सर मास इनटू डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस 200 केजी मीटर पर सेकंड ओके आपका आंसर ये मेथड 1 हुआ मेथड 2 बताऊं यस सर फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय टाइम यस सर दैट मींस डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है mg टाइम कितना है समझ में आया कौन सा डायरेक्शन तो माइनस जे कैप है ना यस यस सर इतना ओके फोर्स का डायरेक्शन माइनस जे कैप है आंसर आगे कि नहीं आगे डायरेक्ट यहां से भी यस सर यस सर कौन सा बढ़िया है सर दोनों ही ठीक है दोनों बढ़िया है दोनों आने चाहिए समझ में आई बात यस सर चलो फिर इसके साथ मेरी तरफ से क्लासरूम में जो होना था उसका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन खत्म हो गया ठीक है बेटा यस सर सेकंड मेथड में क्या किए सर एक बार बता देंगे सेकंड मेथड में हमने कुछ नहीं किया अपन को फोर्स की डेफिनेशन पता है ना न्यूटन सेकंड लॉ पता है ना फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यस सर डेल्टा पी निकालना था डेल्टा पी कितना आएगा फोर्स इनटू टाइम Yes, और yes, पूरे मोशन के दौरान इसमें फोर्स कितना लग रहा है सर mg तो लग रहा है यस सर mg into टाइम कितना टाइम ऑफ फ्लाइट है माइनस mg लग रहा है माइनस इसलिए तो माइनस j कैप लगाया ना यस सर समझ में आई बात यस सर देखो तो मैं बता रहा था कि आपका जो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन था वो वाला पोर्शन हो गया खत्म मैं आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ देखो कोई दिक्कत है सर नो सर हाँ सर हम लोग का बायो के लिए सर और कोई टीचर है सर हमारे स्कूल में